जितनी मुस्तैदी आज है, अगर उतनी मुस्तैदी रामनवमी के दिन होती तो ये घटना नहीं होती। लोग आकर कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं दो समाज को, दो समुदाय के बीच में भाईचारे को खत्म करने के लिए, ये चीज किया उन्होंने, धक्का किया, उनके ऊपर पत्थर चलाया या फिर उनके मस्जिदों में झंडा लगाया, तो जाहिर सी बात है ये इसके पीछे ना कोई मंशा। डीएम यहाँ के जो एसपी हैं और डीएम हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो मुस्तैद नहीं थे, कि महिला पुलिस की तैनाती की गई थी और महिला पुलिस के हाथों में छोटे छोटे डंडे और वो चाह के भी उसे नहीं रोक पा रहे। इसके मोहल्ले में हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई, दोनों का ये कहना है कि कौन लोग आकर ऐसा करके चले गए अभी तक समझ में नहीं आया। अभी तक नहीं समझ में आने का मतलब है कि यहाँ के लोग, बाहरी लोग। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। हम बिहार शरीफ पहुंचे हैं। रामनवमी के दिन क्या कुछ माहौल था, किस तरीके से दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, हम बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी हमने जानने की कोशिश करी और देखिए हमारे साथ दो पत्रकार मौजूद हैं जो यहाँ पर घटनास्थल पर पहले से थे। उन्होंने भी बात को क्या समझा है, क्या जाना है और किस तरीके से घटना को देखा, अभी किस तरीके से स्टोरी इन्होंने किया है और क्या कुछ माहौल देखा है इन्होंने, हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शशांक मौजूद हैं, इंडिया टॉप के पत्रकार हैं। शशांक, जब आपने स्टोरी किया, क्या कुछ आपको दिखा और क्या लगा आपको? देखिए, पहले तो हम बिहार शरीफ जब आए जी, 25 जगहों पर हमें रोका गया पुलिस की तरफ से कि आप जा कहाँ रहे, कर्फ्यू है, स्वाभाविक सी बात है कि रोका जाएगा। लेकिन जब हम लोगों से हमने बात किया तो लोगों का कहना है कि जितनी मुस्तैदी आज है, अगर उतनी मुस्तैदी रामनवमी के दिन होती तो ये घटना नहीं होती। एसपी और डीएम यहाँ के जो एसपी हैं और डीएम हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो मुस्तैद नहीं थे, कि महिला पुलिस की तैनाती की गई थी और महिला पुलिस के हाथों में छोटे छोटे डंडे और वो चाह के भी उसे नहीं रोक पा रही थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो जा रहे थे, उनके ऊपर पथराव हुआ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में झंडे गाड़ दिए गए। क्या हुआ ये तो हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन लोगों का कहना है, हिंदू पक्ष का भी कहना है, मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि बाहरी लोग थे, बाहरी लोग थे। यहाँ पे कोई ये ऐसा नहीं था कि कोई आया और ये कर दिया, बाहरी लोग थे। क्योंकि अगर एक मोहल्ला में ऐसा भी था जहाँ हम गए थे, वहाँ एक सड़क है, एक तरफ हिंदू सड़क उस तरफ मुसलमान, मुसलमान के घर पे झंडा लगा हुआ था, हिंदुओं के घर पे भी झंडा लगा हुआ था। मुसलमानों का कहना था कि भैया जब पर्व आता है वो लोग लगाते हैं, हमारा पर्व आता है हम लगाते हैं, उनका पर्व आता है वो लगाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये जो हुआ ये बाहरी लोग आए करके चले गए, क्योंकि अगर लोकल यहाँ के करते तो मुझे पता रहता है कि आप विशाल, बिल्कुल आप अगर मेरे घर में आग लगाएंगे तो मुझे पता रहेगा, रोज नजरों के सामने वो रहते हैं, उनके बच्चों के बारे में बैठे हैं, पढ़े हैं तो। और ये बिहार शरीफ का एक इलाका है, तो मान के चलिए कि अगर यहाँ का बच्चा जाकर कहीं पे आग लगाए तो वो बच्चा उसको कहीं ना कहीं देखा ही होगा, बिल्कुल, तो वो बता देगा। तो उन लोगों का कहना है कि बाहरी लोग आए, साफ तौर पे लोगों का कहना कि बाहरी लोग थे, उन्होंने ऐसा काम किया। तो शशांक, आपने अभी तक में स्टोरी किया है, क्या क्या कुछ आपको दिखा और किस तरीके का लगा कि क्षति पहुंची है, कितने की क्षति पहुंची है और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ किस समुदाय को हुआ है, ये तमाम तस्वीरें आप बताइए। अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष का नुकसान हुआ, पूरा बिहार शरीफ जला। मेरे अगर आप पीछे देखेंगे तो ये जला हुआ रेस्टोरेंट दिखे, मन्नत ये गायब हो गया तो चल चुका जी। इसके ठीक मेरे सामने इधर देखिएगा तो सिटी पैलेस जी तोड़ दिया गया है, पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका है। बताने वाले बता रहे थे कि वो जो वहाँ पर आपको राख दिख रहा है जहाँ कुत्ता बैठा हुआ है, वहाँ पर 10 गाड़ियाँ खड़ी थी बाइक, जिसे जला दिया गया, पुलिस उठा के ले गई। इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 बस जला हुआ दिखेगा जो पूरी तरीके से जल चुका है। उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दुकानें थी, थोक होलसेल की दुकानें, उसे जला दिया गया, उनकी गाड़ी को जला दिया गया है, नई गाड़ी थी, हुंडई i20 गाड़ी थी, ई रिक्शे को जलाया गया है, दुकान को जला दिया गया है। नुकसान दोनों पक्ष के हुए, पूरा बिहार शरीफ जला। ये आप अगर पूछे कि किसका नुकसान हुआ है किसका नहीं हुआ है तो ये बता पाना मुश्किल है। दोनों पक्ष का नुकसान हुआ है, पूरा बिहार शरीफ जला है और अभी भी जल रहा है, अभी भी समय समय पर गोलियां चल रही हैं। पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग करता है। शशांक, आपके पास हम लौटते हैं। अमान हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक स्टेशन के पत्रकार है। अमान, कल के रात में भी घटना हुई थी, छुटपुट घटनाएं हुई थी, कहा जा रहा था कि गोलियां चली हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी पुष्टि नहीं की गई है, और आपको किस तरीके से देखा कि
क्या कुछ हुई, और आप इस बात को किस तरह से समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या मामला था? शान भाई, जिस दिन रामनवमी था उस दिन लोग कह रहे हैं कि जो स्थानीय लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से, प्रशासन की ये सफलता नहीं है, विफलता है, प्रशासन की कमी थी। अगर उनको इस बात का अगर आभास था कि मस्जिदों पर अटैक हो सकता है, मंदिरों पर अटैक हो सकता है या जुलूस में पत्थर फेंका जा सकता है, तो वो मुस्तैदी से तैनात करते प्रशासन को, लेकिन प्रशासन की कमी थी, चूक हुई है और बहुत बड़ी ये गलती है। और देखिए, जहाँ अभी 2 दिन से हम, आज हमारा दूसरा दिन, लोगों से बात कर रहे हैं और एक ही मोहल्ले में हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई, दोनों का ये कहना है कि कौन लोग आकर ऐसा करके चले गए, अभी तक समझ में नहीं आया। अभी तक नहीं समझ में आने का मतलब है कि यहाँ के लोग, बाहरी लोग, हो सकता है कि बिहार शरीफ के किसी और इलाके के हों, किसी और मोहल्ले के हों, किसी और जिला के हों, या बिहार के बाहर। क्या इसके पीछे कुछ साजिश समझ में आ रही है, क्या कुछ लोग बता रहे हैं? अब देखिए, बाहर से लोग आकर कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं, दो समाज को, दो समुदाय के बीच में भाईचारे को खत्म करने के लिए ये चीज किया, उन्होंने दगा किया, उनके ऊपर पत्थर चलाया या फिर उनके मस्जिदों में झंडा लगाया, तो जाहिर सी बात है ये इसके पीछे ना कोई मंशा। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि देखिए, जो गरीब लोग हैं, जो आज विशाल एक जगह है, अमानित जगह है, विशाल हिंदू है, हम मुस्लिम, ये सेम चीज बिहार शरीफ में हर इलाके में है, दो दुकान अगर हिंदू की तो दो दुकान मुस्लिम की, जहाँ मुस्लिम का इलाका है वहाँ हिंदुओं का दुकान जला, जहाँ हिंदुओं का इलाका है वहाँ सेलेक्टिवली मुसलमानों के दुकान को चलाया। बगल में लहरी थाना है, लहरी थाना के बगल में 50 हिंदुओं की दुकान है, उसमें 2 मुसलमानों की दुकान है, उनमें से एक जनरल स्टोर था, इसको जलाया गया। तो मस्जिदों पर हमला हुआ है, मदरसों में हमला हुआ है। बगल में अरुण मेहता जी की दुकान है, उनके अंदर उनकी माँ और उनके पिताजी का समाधि था, वो मंदिर टाइप का था, उनके मंदिरों में आग लगाई गई है, पूरे गोडाउन को जला दिया गया है। तो इसमें जो यहाँ के लोग हैं उनका नुकसान हुआ। ये देखिए, हमारे सामने ये ड्राई क्लीनर है, मन्नत है, तो ये सारी चीजें जलकर खाक हो गई हैं। और जो भीड़ था वो भीड़ को काबू नहीं कर पाई, पुलिस की विफलता कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जिस तरीके से अभी मुस्तैद हैं, जगह जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 44 लगाया गया था और जगह जगह पुलिस तैनात है, दूसरे जिले से भी बल बुलाया गया है, लेकिन उस दिन अगर जुलूस के दिन इस तरीके से मुस्तैदी रहता तो इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती। कैसे देखते हैं? कल से क्या है कि कल शाम में भी मैं इसी इलाके में था, तो कल शाम में भी फायरिंग वगैरह हो रहा था, कल शाम में फायरिंग भी हो रहा था, लेकिन कल इतना सायरन बज रहा था कि हमको लगता है कि हर 2 मिनट पर जिस जहां फायरिंग हो रही है वहां प्रशासन पहुंच जा रही है। ये बहुत अच्छा बात है कि कल और आज तक में प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया और फिर प्रशासन ने पूरे चीज को कंट्रोल किया। अब हमारे और आपके माध्यम से जो लोग वीडियो देख रहे हैं और इस इलाके के हैं, उनको यही मैसेज देना है कि प्रशासन का साथ दें और भीड़ ना लगाएं, अफवाह पर ध्यान ना दें और अफवाहों पर ध्यान ना दें, बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम में सबको फिर साथ में ही कारोबार करना है। तो वही कहेंगे कि अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो आप आस पड़ोस का ख्याल रखिए, प्रशासन का सहयोग करिए और 2-3-4 दिन के बाद सब माहौल ठीक हो जाएगा। शशांक, फिर एक बार आपके पास आते हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश नजर आ रही है? जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कोई करवाया है, मतलब खचपच कोई ना कोई किया है, उनको नेचुरल नहीं लग रहा है ये सब चीजें? ये कहना तो मुश्किल होगा थोड़ा सा, हम पत्रकार हैं, ये तो नहीं कह सकते हैं साजिश के तहत हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, मानना है कि कुछ बाहरी लोग आए थे, जांच हो रही है और सामने भी आएंगे वो लोग जो लोग ये करके गए हैं। अभी आप अगर देखें तो चारों तरफ आपको पुलिस की गाड़ियां देखेंगी, पेट्रोलिंग करते हुए सायरन की आवाज भी आपको सुनाई देंगे, मस्जिदों में भगवा झंडे लड़ाए गए थे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। बिल्कुल, हुआ भी था, वीडियो भी आया था, लोगों का कहना भी है कि मस्जिदों में भगवा झंडे लहराए गए, या फिर देखिए आप अगर देखिए आप एक बार तस्वीर आप दिखाए तो सायरन की आवाज काफी, ये पुलिस की गश्ती की जो गाड़ियां वो लगातार आ रही हैं, जा रही हैं, प्रशासन मुस्तैद है अभी, लेकिन मुस्तैदी उस दिन चाहिए थी, रामनवमी के दिन, क्योंकि प्रशासन जो अधिकारी होते हैं, SPDM होते हैं, कहीं भी कुछ होता है उनको पहले से थोड़ी बहुत भनक मिलती होती भी है, लेकिन वो उस समय उसको यूं कहें कि उन्होंने हल्के में ले लिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, और लेकिन उनको लग रहा था राम भक्त इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और देखिए, दंगा भड़काने में ना किसी की जाति होती है, ना धर्म होता है, ना कोई राम भक्त होता है, ना कोई अल्लाह का ये होता है, बंदा होता है,
उसे बस दिखता है कि हमें हिंसा दंगा दिखता है। करता है, हिंसा करना है, और इसी हिंसे में ये पूरा बिहार शरीफ जो है जल के राख हो चुका है। आप बिल्कुल शुक्रिया शशांक। देखिए पूरे जो मामले का लबोलवाब यही है कि प्रशासन की विफलता के कारण ही बिहार शरीफ की घटना हुई, और साथ ही साथ जो सासाराम में हिंसक झड़प हुआ दो समुदायों के बीच में, प्रशासन की नाकामी और विफलता को ही सबसे पहले उजागर कर रही है। जिस तरीके से तमाम जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि प्रशासन की नाकामी है, वो बहुत कम संख्या में थे, और जिस तरीके से मुस्तैदी अभी है, उस दिन अगर होती तो अभी इस तरीके का मामला नहीं दिखता। कई करोड़ का जो नुकसान हुआ है, दुकान वालों को नुकसान हुआ है, और आपसी मतभेद जो बढ़ा है दो समुदाय के बीच में, ये खाई नहीं बढ़ती। अब खाई को कैसे पाटना है, खाई को कैसे खत्म करना है, ये हमको और आपको सोचना है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और सतर्क रहें, और जो प्रशासन कह रही है प्रशासन के कहे के मुताबिक चलिए और पालन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।